डिस्कशन के लिए यहाँ पर तैयार है और यहाँ पर बैठे हुए ऑफिस से आई है कि जितना हो सके इंडस्ट्री वाले चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करें या आईबीजे के द्वारा कंट्रीब्यूट करें। तो ये रिक्वेस्ट जस्ट अभी ये प्रोग्राम अपना शुरू होने के आधे घंटे पहले रिक्वेस्ट आई है। तो वो एक रिक्वेस्ट में आप जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जैसे चिंतन भाई बता रहे हैं लगभग 300 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कुछ अपने तरीके से बन पड़ सकता है इस कठिन घड़ी में, सब या तो डायरेक्टली हेल्प करें या इब्जा के थ्रू इसमें मदद करें। जो भी कुछ हो रहा है, ये तो सभी को मालूम है, हम सब घर के अंदर लॉकडाउन हुए हैं और 14 अप्रैल तक हमें लॉकडाउन स्थिति में ही रहना है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक समय है जब हम ये जो दिग्गज आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन दिग्गजों को हम तभी पकड़ पाए, वरना इन पांचों दिग्गजों को इकट्ठा करना कोई कोई आसान बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इनसे इनकी राय जानने का, और इनकी राय बहुत महत्व रखती है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि ये जो हमारी इंडस्ट्री एक नाव है, एक नाव के कोने पे कारीगर बैठे हैं, नाव के थोड़ा सा आगे चलो तो हमारा स्टाफ बैठा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर खुद बैठे हैं, फिर होलसेलर बैठे हैं, और नाव के दूसरे कोने पर रिटेलर्स बैठे हैं, और हम सभी कस्टमर को ढूंढ रहे हैं। हर आदमी यहाँ पे कस्टमर को ढूंढ रहा है। तो ये हमारा जो पूरा फोकस होगा वो यही होगा कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करें और हम कस्टमर तक पहुंचे, क्योंकि आगे की थोड़ा सा समय कठिन है, लेकिन ये कठिन समय हमारे लिए से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी चीज में डीलिंग करते हैं जिससे फर्क नहीं पड़ता, यदि हमारी इन्वेंटरी हमारे पास भी है तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी हमारा माल सेफ है, हमारी इंडस्ट्री सेफ है, उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि सवाल जवेरी बाजार का है, तो मैं जवेरी बाजार से ही सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले प्रफुल्ल भाई, एक आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, और जो जवेरी बाजार की सिक्योरिटी है, ये हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस। चिंतन भाई, ये तीसरा प्रश्न है, लेकिन मैं जवेरी बाजार की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा सभी लोग कंसर्न है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम ये सवाल ही लेते हैं। प्रफुल्ल भाई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, सभी को आ रही है। हाँ, जेवरी बाजार की सिक्योरिटी को लेके काफी दिनों से बहुत कुछ चर्चा चल रही है। और सबसे पहले तो हमें एक प्रकार से, जैसे हम खुद अपने ऑफिस में क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ऑफिस में जितने भी हमारे कैमरे हैं उसको हमको सब चेक कर लेना चाहिए। रिकॉर्डिंग का जो टाइम हमने जो टाइम टेबल सेट किया है, 2 दिन 4 दिन जिसने जैसे सेट किया है, उस टाइम को हमको सबको बढ़ा देना चाहिए। वॉचमैन को अपने हिसाब से एक बार अलर्ट कर देना चाहिए, हो सके तो वॉचमैन का खाना उसी बिल्डिंग की प्रमाइसेस में रेडी हो जाए जिससे उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्या है, जैसे जैसे बिल्डिंग सबकी अलग अलग प्रमाइसेस में, सबकी अपनी अपनी अलग अलग बिल्डिंग है, तो लोग फ्रंट साइड में बहुत सारा ध्यान और सिक्योरिटी लगा लेते हैं पर हमेशा कम रहती है। तो मेरे हिसाब से वहां पे भी उनको कुछ ना कुछ कैमरे या कुछ ना कुछ प्रावधान लगा देना चाहिए। एक माउस करके छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जो तिजोरी या आपके कोई भी जगह पे वो लग सकता है, जिससे कोई भी चीज अगर उसके अंदर आती है तो अपना एक अलार्म बजाना स्टार्ट कर देता है और वो 10 मोबाइल के अंदर ऑन द स्पॉट चला जाता है, जिससे आप एकदम अलर्ट हो सकते हैं, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, वॉचमैन को भी अलर्ट कर सकते हैं। अगर किसकी प्रमाइसेस बहुत बड़ी है तो उसको जोन वाइज डिवाइड करना पड़ता है, तो जिस जोन में आपका बहुत स्टोरेज हो उस जोन में आपको उस माउस का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सेकेंड, हर तिजोरी की एक चाबी होती है, बहुत से लोग चाबी वाली तिजोरी रखते हैं पर एक मेमोरिक लॉक या राउंडिंग लॉक
लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि नंबरिंग के हिसाब से तिजोरी खुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और टफ भी होता है। वो हमेशा तिजोरी लेते वक्त हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज आता है इंश्योरेंस पॉलिसी से कनेक्टेड, कि इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें उस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि आज की तारीख में गोल्ड बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, सब अप एंड डाउन है, तो एक एडिशनल पॉलिसी भी हमें उस समय लेके रखनी चाहिए, जिसमें गोल्ड अगर बढ़ जाए तो वो एडिशनल पॉलिसी हमारी काम आती है। इसके बाद में ज्वेलरी बाजार के लोगों को भी मिलके सिक्योरिटी में अपना टाइम देना चाहिए, कि हर एक बिल्डिंग में एक अपना खुद का सेल्फ कैमरा होना जरूरी है, जिसका DVR अलग हो, कि उससे बिल्डिंग में किसी से कोई लेना देना नहीं है, और वो कैमरा जो है 180 डिग्री का हो, तो वहाँ के पूरे मूवमेंट और आपकी भी सुरक्षा उसमें रहेगी। इसमें पूरा ज्वेलरी बाजार कवर होता है। वो DVR अलग होने से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ सकता है। उसके बाद हमें पुलिस विभाग को भी इस तरह की सूचनाएं देनी पड़ती है, अगर लॉकडाउन का पीरियड है तो, कि भाई इतने दिन से हमारी प्रमाइसेस बंद है, आपका रिपोर्ट्स क्या है, आपकी राउंडिंग क्या है, उसके बारे में भी हमें संस्था से या किसी भी तरह से हेल्प लेके उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। एक सुरेंद्र जी, आपके लिए इसमें एक छोटा सा मैसेज है कि सिक्योरिटी को लेके हर 6 महीने में एक बार ज्वेलरी बाजार में मीटिंग होनी काफी जरूरी है। किसी के कैमरे चल रहे नहीं चल रहे, इंडिविजुअल भी ये लोग कैमरे अपने लगाने चाहिए। उससे क्या होगा कि कुछ न कुछ नया अनुभव भी मिलेगा और कुछ नई बातें भी होगी। थैंक यू। बिल्कुल सही बात प्रफुल्ल भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ज्वेलरी बाजार में IBJ ने 32 कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन बीच में कोई BMC के प्रॉब्लम की वजह से उसमें से बहुत सारे कैमरों की लाइन काट दी गई। हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और वैसे कोठारी जी ने पुलिस कमिश्नर से डायरेक्ट बात करी थी ज्वेलरी बाजार की सिक्योरिटी के लिए। बाद में पुलिस कमिश्नर ने LT मार्ग में और पाइदोनी पुलिस स्टेशन में अलग से इंस्ट्रक्शन भी जारी किए हुए हैं। 2 दिन से कैमरे की टीम हमारे कैमरे शुरू कराने के लिए लगी हुई है। फिलहाल IBJ के 32 कैमरे में से 32 कैमरे हैं, और उसकी सुरक्षा जो भी है वो उसको हम लोग साथ में बैठ के हम देख सकते हैं। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं, उस इश्यू को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका ये आइडिया है कि हर बिल्डिंग पे कैमरा लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा आइडिया है, और इसको हम लेके डेफिनेटली मीटिंग करेंगे। मनीष भाई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मनीष भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मेरे ख्याल से मनीष भाई सुन नहीं पा रहे हैं। मनीष भाई को आवाज आ नहीं रही है, उनका म्यूट को अनम्यूट कीजिए। चिंतन, चेक ही इफ ही इज इन म्यूट, अनम्यूट कीजिए मनीष भाई को। मैं आई बहुत बोलूं, बच्चे संभाल रहे भाई, सही है। सुरेंद्र जी, हाँ हाँ मनीष भाई, ये सिक्योरिटी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ज्वेलरी बाजार की सिक्योरिटी? वैसे तो काफी पॉइंट्स प्रफुल्ल भाई ने कवर कर लिए, पर एक मुझे इस पे पॉइंट ऐड करना था, जो कि मैंने 2 दिन पहले किसी ग्रुप में शेयर भी किया था, कि अपना ये जो CCTV कैमरा है, ये काफी अच्छा सोच है कि CCTV कैमरा सब बिल्डिंग में लगना चाहिए, और ये CCTV कैमरा को अपन विजिलेंस रूम में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक कॉमन विजिलेंस रूम हम बना सकते हैं, जहाँ 24/7 वॉचमैन हो, जो उसको देखता रहे, और अपने को अगर कुछ सिचुएशन खराब होने वाली है तो हमको ताबड़तोड़ फोन कर सके, मतलब। तो ये एक मैंने सजेशन दिया था, तो दिस वाज अ सजेशन। इसमें प्राइवेसी रखनी है तो वो तो आउटसाइड एजेंसी को देंगे, तो प्राइवेसी भी रख सकते हैं उसके अंदर, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली, ये जो छोटी छोटी बात है, जैसे कि भाई अपनी तिजोरीज है तो उसके अंदर गुड्स डिवाइड करके रखो, वो सब तो कॉमन चीजें है। एवरी क्वार्टरली अपने लॉक्स वगैरह चेंज करते रहो, तो ये सब चीज हम कर सकते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस को लेके सेकेंडली मेरा थॉट है कि हम जो इंश्योरेंस कंपनी रखते हैं और जो हम इंश्योरेंस एजेंट रखते हैं, वो बहुत रेपुटेड होना चाहिए। हम बहुत बार क्या होता है कि किसी रिलेशन में आके या कोई अच्छा मार्केटिंग करता है तो उससे हम लोग इंश्योरेंस दे लेते हैं, बट इंश्योरेंस ऐसी चीज है कि जब
हादसा होगा तब इंश्योरेंस एजेंट है वो खड़ा नहीं रहेगा, जो फैक्ट्स है और जो फिगर है और उसका जो काम करने का ढंग है वो अपने को काम आएगा। तो अपने को ये सब चीजें काफी ध्यान से करनी चाहिए। मतलब तो सस्ता इंश्योरेंस लेके मतलब नहीं है, काफी रिटेलर्स से वगैरह बात होती है मेरी, तो बोलते हैं मनीष भाई यार आपका जो कुछ इंश्योरेंस महंगा पड़ता है, ये पड़ता है, लेकिन भाई जब हादसा होगा तब कंपनी देनी पैसे देनी भी तो चाहिए अपने को वापस। तो ये मेरा पॉइंट था। बिल्कुल मनीष भाई, ये हम लोग चाहिए तो इसका जो सेंट्रल रूम है वो आईबीजे के ऑफिस में भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास 32 कैमरे लगे हुए हैं और भी कैमरे हम उसको जोड़ सकते हैं, और जितना भी आईबीजे में कैमरा लगा हुआ है वो सारे कैमरे एक पुलिस का एलएनटी डिपार्टमेंट है, एलएनटी डिपार्टमेंट से जहाँ से पूरे बॉम्बे के विजिलेंस होती है वहां से भी वो ये सारे कैमरे लिंक है। तो इसके बारे में जरूर हम लोग मीटिंग करेंगे और चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें खाली एक फैक्टर आएगा कि प्राइवेसी का आएगा कि हर एक को अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए, तो उसको हम कैसे सिक्योर कर सके वो भी एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, मेरा कहना कि सिर्फ इतना है कि प्राइवेसी आप आपके बिल्डिंग प्रीमाइसेस में प्राइवेसी आप रखिए, लेकिन जो जनरल में एक हर एक बिल्डिंग के बाहर एक कैमरा लगे, रोड कैमरा, हाँ रोड कैमरा, तो उसमें तो कोई प्राइवेसी का सवाल भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो हम कैमरे लगाते हैं ना तो वो पोल पे लगते हैं तो कई बार वो लोग इसको निकाल लेते हैं ऐसी सिचुएशन। थैंक यू मनीष भाई फॉरिंग लाइट। मुझे एक आपसे ये पूछना था कि आपको अभी बिजनेस में आगे फ्यूचर में क्या रिस्क दिखाई दे रहा है? चेतन भाई, चेतन भाई को जरा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर दो। चेतन भाई अनम्यूट, पैनलिस्ट को आप पांचों पैनलिस्ट को अनम्यूट करके रखिए ना। चेतन भाई अनम्यूट है। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, चेतन भाई आवाज आ रही है, ठीक है। वास्तव में हम फिलहाल बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं और न जाने इस परिस्थिति का क्या निकल आएगा, कब आएगा। उसके बाद भी हमारी इंडस्ट्री एक लंबा लंबी तकलीफ से गुजरेगी ऐसा मुझे लगता है, और इतने सालों में ऐसे कई मुसीबतें आई है इंडस्ट्री पे, लेकिन ये एक अनहोनी है। सबसे बड़ा इश्यू अगर हमें आना है तो वो आना है हमारे कारीगरों का, जो कुछ चले गए हैं या कुछ जैसे ही चालू होगा जाने की फिराक में, और इसको किस तरह रोका जाए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में कारीगर ही ढंग से नहीं रहेंगे तो ये इंडस्ट्री को आगे चलना बड़ा मुश्किल है। तो किसी भी तरह हमें उनको लिए पहले सोचना है कि ये महकमे को कैसे सेफ किया जाए। परिस्थितियां जैसी हैं कि बहुत कारीगर अभी भी यहाँ पर है, छोटी सी रूम में काफी लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा हमारे होलसेल भाई काम कर रहे हैं, जिनको खाना पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर ये जो ऑलरेडी 2 साल से मंदी चल रही थी और इसके बाद अगर ये मंदी अगर 2-4 महीने और चली और अगर हम इस कारीगरों को संभाल नहीं पाए तो बाद में तो सब ठीक हो जाना है, लेकिन ये कारीगर की वजह से ये इंडस्ट्री आगे चल नहीं पाएगी। तो उसी लिए मुझे सारे होलसेल भाई और जितने भी रिटेल के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हमें सब मिलजुल के एक साथ पहले उनका सोचना है कि कारीगरों को किस तरह हम मैनेज कर सके। वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हम इस और ये सबसे नीचा जो पहले से ही बहुत वेल टू डू नहीं है, ये एक तरह से हैंड टू माउथ कह सकते हैं हम इनको। अगर आज हमने इनका ख्याल नहीं किया कि मुझे पता है 2008 की मंदी जब आई थी काफी कारीगर इसमें से निकल गए थे और दूसरी लाइन में चले गए। अरे आज हमारे कारीगर जो कमाते हैं उतना तो एक स्विगी वाला कमा लेता है, सो स्कूटर पे घूमता है। तो अगर इसमें से अगर कोई कारीगर निकल गए, पहले से ही नए लोग इसके अंदर पैदा नहीं हो रहे और अगर जुने इसमें से चले गए, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा खामियाजा अपने को भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अपने को एक ही काम करना है कि चाहे होलसेल हो, चाहे रिटेल हो, चाहे कोई भी हो, मिल के किस तरह अगर 2 महीना ये खुलने के बाद, जनजीवन सब सामान्य होने के बाद, अपनी इंडस्ट्रीज
ऐसे कगार पे हैं जो सबके बाद वो लाइन पे चढ़ेगी, तब इनको सर्वाइव कैसे करें, इनको ब्रेड बटर हम कैसे दे सके और किस तरह इनको ऐसा पकड़ के रखे कि ये छोड़ के ना जाए हमारे इंडस्ट्री को। तो उसके लिए हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि रिटेल सेक्टर एंड होलसेल सेक्टर ये दोनों को मिलकर एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये हमारे कारीगरों को ब्रेड मटर यूं ही कहीं कुछ भी, अब जैसे आगे हो गए कि हम खर्चा कम कर देना है, बैंकिंग बंद कर देंगे, स्टॉक कम कर देना, आगे तो कुछ काम नहीं चलना है, अगर ऐसा करेंगे हम तो ऐसा माहौल बन जाएगा कि हम अपने आप को तो सुरक्षित कर लेंगे लेकिन हमारा ट्रेड सुरक्षित नहीं रहेगा क्योंकि उसमें का मांग जो हमारे वो उसमें से निकल जाएंगे। तो उसको किसी भी तरह पकड़ के रखना है, छोटा मोटा काम कैसे भी किसी भी तरह से हमें अपना स्टॉक भी बनाते रहना है, भले सेल अपनी बिक्री थोड़ा थोड़ा कम हो, रिटेल थोड़ा पेमेंट होलसेल में, होलसेल वाले भी अपना कहीं से कुछ भी जुगाड़ करके इन कारीगरों का हाथ पैर चालू रखे। अगर ये चक्की नहीं चलेगी तो ये फिर कभी नहीं चलेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा वैसे तो काफी सारे इश्यूज हैं लेकिन ये कारीगर का इश्यू मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है कि जब जब कोई बड़ी चीज कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसका खामियाजा कारीगरों को भुगतना पड़ता है और अल्टीमेटली हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल चेतन भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री हूँ। मेरे ख्याल से इस मुद्दे के ऊपर हमें एक प्रमोद भाई से भी राय जाननी चाहिए, हम आप लोग तो मैन्युफैक्चरर हैं, हमें एक होलसेलर से भी राय जाननी चाहिए। हाँ चेतन भाई बताइए बताइए। मैं और एक चीज कहूंगा कि जैसे बात अगर चैरिटी की आती है, जैसे मैंने बना ना चैरिटी बिगिन से ठोक, मैं इस अपने इंडस्ट्री को अपना फैमिली समझता हूँ और ये भी अपने ही लोग हैं और अगर हम मिलके अपने ही घर को अगर सुरक्षित नहीं करेंगे और कहीं हम बाहर कुछ करने जाते हैं उसके पहले हमें कुछ भी करके इनके लिए कुछ करना है, नहीं तो बड़ी बड़ी ऑफिस है, बड़े बड़े शोरूम जो पे त्यों रह जाएंगे। एक अगर अगर आप लंबा सोचो कि अगर ये नहीं हो तो 5 टच की आइटम 15 टच में भी नहीं मिलेगी, वो दिन भी दूर नहीं है अगर इसको हमने नहीं संभाला। तो जब बात अगर हम चैरिटी की करते हैं कुछ भी करते हैं सबसे पहले अपने लोगों का सोचो और हम बाहर भी करेंगे लेकिन अपनों का बिल्कुल सोचो पहले, उसमें कोई चूक ना हो जाए नहीं तो देर हो जाएगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद भाई आपका क्या कहना है इसके बारे में? यस सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं चेतन भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो हमारा बेस है, हमारी जड़ है, वो हमारी कारीगर है क्योंकि वहीं से हमारा माल का लेन देन चालू होता है और वहीं से हमारा बिजनेस व्यापार चालू होता है। इनके बात के साथ मैं एक चीज और आगे बढ़ाना चाहूंगा, चूंकि ये हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री है तो हम ये चाहेंगे इन कारीगर के लिए सब एसोसिएशन मिलकर गवर्नमेंट से भी कुछ रिप्रेजेंट करे कि हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी के लिए क्या सपोर्ट कर सकती है और अगर वो गवर्नमेंट को अगर अच्छा रिप्रेजेंट देवे, क्योंकि आज यहाँ की जो कारीगरी है हैंडमेड ज्वेलरी की पूरे वर्ल्ड में हर दुनिया के हर देश में ही भी जाती है और दुनिया के हर कोने में जाती है। तो मुझे लगता है कि सभी एसोसिएशन को मिलकर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट देना चाहिए कि हमारे कारीगर के लिए कुछ न कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाए जिससे एक तो वो ऑर्गेनाइज हो जाए और उनको लंबे टाइम तक काम मिल सके या उनके लिए सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तो मेरा यही बोलना है। दूसरा मेरा एक इश्यू ये है कि आज की तारीख में जो बोल रही है वो एंड कंज्यूमर, जैसे ही अगर लॉकडाउन खुलता है तो एंड कंज्यूमर का फोकस गोल्ड ज्वेलरी से पहले उनकी सब चीजों पे, बेसिक चीजों पे ज्यादा ध्यान रहेगा। तो शायद हो सकता है कि रिटेल शोरूम आज को वेट करना पड़ेगा भी अपने शोरूम में आने में, रिटेल शोरूम को खींचने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है और उसका इफेक्ट सीधा होलसेलर पे पड़ेगा और होलसेलर से कारीगर सेक्शन पे पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर सब इंडस्ट्री जो अभी जितने भी एसोसिएशंस हैं वो जो B2B बिजनेस पे जितना फोकस कर रही है, हमें ऐसा लगता है कि B2B से पहले हमें B2C के लिए कुछ पॉजिटिव ऐसे क्रिएटिव आइडियाज एंड कंज्यूमर पे या बेसिक जनरली क्रिएट वीडियोज बनानी चाहिए जो गोल्ड, जो आज सब कमोडिटी आज की तारीख में इतना डाउन हो रही है पर गोल्ड ही एक ऐसा कमोडिटी तो हमेशा कितने सालों से हमेशा साथ दे रहा है। तो हमें सबको मिलके आज की तारीख में एंड कंज्यूमर को ये दिखाना है कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर रिटेल में अगर काम चलता है तो मुझे लगता है कि आगे ये होलसेलर और रिटेलर कारीगर सब कड़ी अपने आप एकदम ठीक हो जाएगी। तो
मेरा दूसरा यही कहना है कि भी हमें एंड कंज्यूमर या रिटेल B2C में इसका काफी प्रमोशन करना चाहिए। बिल्कुल एग्री करता हूं मैं आपसे प्रमोद भाई, बिल्कुल आपने सही बात की कि हमें B2C के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। मैं अभी फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, चिंतन भाई फोर्थ नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे लाइए। क्वेश्चन नंबर फोर संयम भाई, ये आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद में आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? संयम भाई वॉल्यूम, हाँ संयम भाई सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। सुनो जी, अभी ऐसा है कि मेरा लैपटॉप है उसको चालू कर दीजिए चिंतन भाई। आई थिंक दैट इज नॉट अनम्यूट, सॉरी द लैपटॉप पे मेरा एक दूसरा स्क्रीन ओके प्लीज जरा चालू कर दीजिए। यस Yeah, that is also unmute. So, inventory का management is very important at this moment. पहले जब तक 15th को जैसे ही अपना shops खुलेंगी, 15th को भी खुलेंगी कि उसके बाद भी government के हिसाब से खुलेंगी, वो भी एक बहुत बड़ा question है आज के तारीख में। तो आज के तारीख में जितनी प्री लॉकडाउन जो हमारा इन्वेंट्री आज के तारीख में हमने टेक केयर किया है, उसी तरीके को हमको आगे लेके जाना होगा। पहले हमें कस्टमर डिमांड अभी अक्षय तृतीया आने वाला है 28 को, जैसे अभी चेतन भाई ने बताया कि पहले तो जो इतने कारीगर हैं कि वो कारीगर आज के तारीख में मुंबई में ही हैं, दिल्ली कलकत्ता हैदराबाद जहाँ पर भी हैं वहाँ पर वो अपने लोकेशन पे अपनी जगह पर हैं, उनका बराबर तरीके से फूड, उनका बराबर तरीके से रहने सहने का, 15 तारीख को शॉप खुलने के बाद अपने एयरपोर्ट्स अपने रेलवे खुलने के बाद ये लोग वापस अपने विलेज अपने गांव वापस तो नहीं चले जाते हैं। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि जितना एज अ होलसेलर एक क्रेडिट हमने अपने कस्टमर्स को दिया हुआ है, क्या वो बराबर टाइम पर घूम के उनकी सेल उनके शॉप्स में हो रही है, उसके हिसाब से एक इन्वेंट्री की प्लानिंग की जा सकती है। रेट्स इतने बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से जो रेट कट हो रहे हैं, जो रेट कट स्पेंडिंग है, GML आज के तारीख में सबने लिया हुआ है, गोल्ड रेट बढ़ने के बाद उसकी क्या पोजीशन है एज अ होलसेलर, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के तारीख में जैसे ही शॉप्स खुलती हैं तो उसके बाद एक आदमी अपने कपड़े के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए सोचेगा। एक 15 दिन महीना डेढ़ महीना मुझे लगता है कि हमारी ज्वेलरी के ऊपर सबका ध्यान आने में टाइम लग सकता है। इस वजह से एक बहुत इंटेलिजेंटली जो पुराना स्टॉक पड़ा है उसको रिफर्बिश करके नया स्टॉक बहुत इंटेलिजेंटली बनाना होगा, ताकि एक होलसेलर हमारे ऊपर भी प्रेशर, एक रिटेलर को लॉजिकली प्रेशर, सबके ऊपर बराबर तरीके से मेंटेन किया जाए। जैसे अभी बताया B2 आने वाले महीनों में B2C शोज को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर हमारे B2B शोज इतना आगे बढ़ रहे हैं, एक B2C शोज का भी ध्यान देना चाहिए। और सुरेंद्र जी आपको ये आगे लेके जाना होगा कि मेक इन इंडिया भी हमारी जेमिन ज्वेलरी की मेक इन इंडिया का बराबर हिस्सा बने, जहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट्स को, हैंडमेड ज्वेलरी को, जो माल इंडिया के अंदर बनता है फॉरेन मार्केट्स, चाहे वो इटली हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, US हो, UK हो, कहीं भी वो ज्वेलरी बन नहीं सकती, तो उसको भी बराबर तरीके से प्रमोशन किया जाए। और हमारी जो ज्वेलरी है फॉरेन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के अंदर इस तरीके से चले कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सके। तो बस मैं यही सोच कहना चाहूँगा कि ये बहुत जल्दी सोचने वाली बात है कि एट दिस मोमेंट बहुत अर्ली प्रिडिक्ट करने वाली बात है कि इन्वेंट्री आफ्टर लॉकडाउन क्या बनाना होगा, लेकिन एज 15th को जैसे खुलती हैं शॉप्स, अपने को एक एक करके हर एस्पेक्ट को देखना होगा, चाहे वो
चाहे वो हमारा स्टॉक हो, रिटेलर का स्टॉक हो, गोल्ड रेट्स हो, जीएमएल लोगों ने लिए हुए वो हो, वो सबको एक एक करके पहलू को देख देख के आगे बढ़ना होगा। सुंदर जी, आप तो यू बिल्कुल बिल्कुल संयम भाई, मैं खाली आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अभी आप लोग सब घर पे बैठ के बहुत अच्छे से आप सोच विचार के आपकी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो ऐसा कम से कम एक क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर में इब्जा में मीटिंग रखिए और आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें बताइए, तो और उसके संदर्भ में हम लोग क्या काम कर सकते हैं वो जरूर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम करेंगे। और हम का मतलब है कोई एसोसिएशन हमेशा ज्वेलर से ही चलेगा और बुलियन वालों से चलेगा, एसोसिएशन खाली अकेला तो चल ही नहीं सकता। एनीवे कमिंग बैक टू प्रफुल्ल भाई, प्रफुल्ल भाई चिंतन भाई क्वेश्चन नंबर वन लगाइए जरा। एक बार लॉकआउट खत्म होने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा इंडस्ट्री को, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन लगाइए, लॉकआउट खत्म होने के बाद कितना समय लगेगा एक स्मूथ बिजनेस आने को? जिस तरह से अभी लॉकआउट खुलने के बाद में क्या समय लगेगा वो बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन प्रभु आवाज आ रही है। एक मिनट रोकता हूँ आपको, ये घर में भी आपने लगा रखा है पीछे क्या? हाँ ये तो चलते रहता है। आप प्रभु भाई दुकान में तो नहीं बैठे? ये मेरे घर पे मेरी ऑफिस है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी सीखना चाहिए। देखो तभी तो दूसरे सब पैनलिस्ट तो सबको सीखना पड़ेगा। सुरेंद्र जी इससे पैशन बना रहता है, उसी हिसाब से वो घर पे रखते हैं सारी चीजें पैशन बनाने के। मेरे हिसाब से सुरेंद्र जी, हाँ प्रफुल्ल, घर पे घर का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम तो शायद चेतन भाई तो पीवीआर बुक करा देंगे, बड़े स्क्रीन में पीछे खड़े बैठेंगे क्योंकि उनके नजदीक भी पड़ता है। चलिए आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई लॉकडाउन के बाद मार्केट खुलने पे क्या होगा और क्या असर होगा और उसे किस तरह से हैंडल होगा, बिल्कुल बरोबर है, बिल्कुल ओके। ये टाइम ड्यूरेशन सबसे पहले तो आएगा रिकवरी का, कि हमारी जो रिकवरी है उसके लिए हमको एक छोटी सी, हर दुकान की अपनी अपनी रिकवरी की पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी को बनाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारी जो रिकवरी है वो आ सके। उसके बाद में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, मुझे नहीं लगता पूरा इंडिया एक साथ में खुलेगा, जिस तरह से जो जो स्टेट खुलेगा उस हिसाब से हमें एक और अपने बिजनेस में अपनी रणनीति भी बनानी होगी कि भाई कौन सा स्टेट पहले ओपन हो रहा है और कौन सा बाद में हो रहा है और ये जगह ये कब तक चलने वाला है। इन्वेंटरी रिस्क में जो भी अभी संयम भाई ने काफी अच्छी बात बोली कि जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो भी गुड्स पड़ा हुआ है जिसमें 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया और खास तौर पे एंटिक ज्वेलरी हो गया, उनको वापस किस तरह से, वो किस कंडीशन में है, उनको पॉलिशिंग या उसके ऊपर कोई काम या नए तरीके से उसको मार्केट में फिर से कैसे प्रेजेंट करना है, वो भी उसके ऊपर भी हमको बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट समझो जो भी टाइम पे खुले, हमें सबसे पहले 25% स्टाफ को बुलाना चाहिए और उनका सबका एक बार हेल्थ और सब चेक करना चाहिए, मॉरल स्टाफ का जितना भी है उसको हमको एक साथ में वापस करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टाफ में मॉरल नहीं रहेगा और वो अगर हमारे साथ में नहीं चल पाएंगे या उनको कोई भी तरह की तकलीफ है तो उसको हमको पहले ही सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद हम आएंगे बैंक के कुछ इशू को लेके, सबका बैंकिंग अपने अपने हिसाब से है, किसका जीएमएल है, गोल्ड लोन है, जैसे एक्सपोर्ट का भी लोन अभी आगे कर चुके हैं, जीएमएल का अभी तक गवर्नमेंट से के तरफ से कोई इशू या कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है, तो खासतौर पे सुरेंद्र जी मैं चाहता हूँ कि इसके लिए भी आप आगे थोड़ा सा कुछ न कुछ ट्वीट कीजिए और कुछ न कुछ इसके आगे बढ़ाइए कि इसका भी सबको बहुत बड़ा ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आ रहा है कि रिकवरी कैसे इस चीज सबको करे, तो अभी ये चीज कोई एरिया मई में चालू हो जाए, कोई जून में चली हो जाए, टोटल पीरियड मिला के 6 महीने में एक बिजनेसमैन को जितना भी कम खर्चा करना है उतना उसको बजट को अपना बना के खर्चे में कमी लानी होगी। इसमें एग्जीबिशन हो गए, एडवर्टाइज हो गई, बहुत सी मार्केटिंग का काम हो गया, कुछ एग्जीबिशन ऐसे भी है जो आगे पोस्टपोन्ड हो गए,
कुछ आने वाले भी है, उनका क्या होने वाला है वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये सब इसके लिए ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत दिनों तक हर रिटेल व्यापारी बेबी स्टेप लेगा, कोई भी आदमी ट्रैवलिंग करने के लिए अपने घरों से निकलेगा नहीं, बहुत ही कम ट्रैवलिंग होगी। उसके हिसाब से ऑनलाइन बिजनेस है, उसकी हमें थोड़ी सी अपने स्टाफ के साथ में या बहुत लोगों की तैयारी अच्छी भी होगी कि इसको ऑनलाइन से किस तरह से लोगों तक हम पहुंच सके और किस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है कि काउंटर सेल के ऊपर क्या रहेगा। तो ट्रैवलिंग इश्यू होने के कारण हर चीज काउंटर पे ऑनलाइन लोगों को पहुंचानी होगी और काउंटर पर ही उनका सेल हो पाएगा क्योंकि बहुत कम लोग इसमें बाहर निकल पाएंगे। सुरेंद्र जी आपसे एक दरख्वास्त है, लास्ट के जीएमएल के ऊपर आपने क्या किया, आपकी संस्था ने और हमारी संस्था ने आईबीजे ने क्या क्या किया उसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ इकोनॉमिक बनाइए, कुछ ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन कीजिए कि थोड़ी सी राहत हमें भी उसमें मिले और महसूस हो। देखिए हम लोगों ने ना जीएमएल के ऊपर एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होता है जो और आरबीआई, ये दोनों के अंडर में जीएमएल आता है, तो वहां पे हमने एक मीटिंग की थी। वो मीटिंग की मिनट्स की कॉपी भी हमारे पास है। उस मीटिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बैंकें ये कहती है कि जीएमएल को रीपेमेंट करके ही पूरा किया जा सकता है, तो हमने कहा कि ये पूरा प्रोसेस ही गलत है, ऐसा कहीं पर कानून ही नहीं है कि जीएमएल को रिन्यू करने के लिए आपको पुराना लोन चुकाना पड़ेगा। हमने बैंकों को ये कहा है कि जब आप सीसी को रिन्यू करते हैं, जब आप कैश क्रेडिट लिमिट को रिन्यू करते हैं या टर्म लोन को रिन्यू करते हैं, तो क्या आप पूरा पैसा हमसे वापस थोड़ी मांगते हैं, तो आपको खाली ड्यू डेट के दिन एंट्री मारनी है, बैंक को सिर्फ एंट्री करनी है और उसको रिन्यू करना है। तो ये मैंने आज लेटर भी शेयर किया है, मेरे ख्याल से मैंने एक दो जन के साथ वो लेटर शेयर किया है, मैं आप सभी पैनलिस्ट को वो लेटर भी भेज दूंगा जो हमने लगभग 7 जगह पे लेटर भेजा है, जिसमें नीति आयोग से लगा के फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर रतन वटल कमिटी, गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सबको मैंने ट्वीट भी किया है कि भाई ये आप इसका क्लैरिटी कीजिए क्योंकि बैंक हमसे पैसा मांग रहा है। हम आपको इस स्थिति में पैसा तो दे ही नहीं सकते क्योंकि पैसा हमारे पास बैंक में आएगा तो हम पैसा देंगे, ये तो आपको तो सिर्फ रिन्यू करना है, तो आप रिन्यू कर दीजिए, आप एक बार उस अकाउंट को क्लोज कीजिए और नया अकाउंट रिन्यू कर दीजिए जैसे आप सीसी अकाउंट रिन्यू करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है और हमें हाँ प्रमोद भाई आप कुछ कहना चाहते हैं। मेरी कल भी बैंक में आईसीसी बैंक में भी बात हुई थी, कोटक बैंक में भी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि प्रोसीजर चल रहा है, शायद एक मंडे को या ट्यूजडे को ये क्लियर हो जाएगा और लगभग इसको आगे 3 महीने के लिए क्रेडिट फॉरवर्ड करने के दोनों बैंक क्लियर है। प्रमोद भाई मेरी भी सारी बैंक सब बैंक वाले मेरे से भी कांस्टेंट टच में है और सभी बैंक ने मुझे फोन भी किया था और मैंने सबके साथ में वो लेटर भी शेयर किए हैं जो हमने बैंकों को दिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये मसला हम लोग सोमवार मंगलवार तक पक्का सॉल्व कर देंगे ऐसा मुझे लगता है। तो जीएम सॉल्व हो गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इंडस्ट्री का, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। लास्ट बैंक से जब बात हुई थी सुरेंद्र जी तब कल ही बात हुई थी, तब उन्होंने मुझे बताया था कि जिनका जीएमएल डोमेस्टिक गोल्ड अगर 90 डेज पे दिया है तो उनका 180 डेज तक कर सकते हैं, लेकिन जिनका ऑलरेडी 180 डेज है उनको आरबीआई ने मना कर दिया है कि उनको आगे एक्सटेंड किसी सूरत में नहीं करना। ये एक बात है। दूसरी बात, ये लॉकडाउन के दौरान पिछले 4-5 दिन से मुझे ज्वेलरी बाजार से काफी लोगों के फोन आए थे कि भाव बढ़ने पर बैंकों ने मार्जिन मांगना शुरू किया। अब मार्जिन की समस्या ऐसी थी कि लोग अपने घरों पे बैठे थे, मार्जिन एडिशनल भर नहीं सकते थे और लोगों ने बैंकों ने इतना प्रेशर किया था कि अगर आप मार्जिन नहीं भरोगे तो इस भाव में आपका गोल्ड का रेट कट जाएगा। तो इस सूरत में भी अपने लोग काफी पैनिक हुए, मैंने काफी बैंकों से बात की थी लेकिन वहां से कोई भी ऐसा आश्वासन रूपी आंसर कोई भी बैंक से नहीं मिला था। नहीं चेतन भाई आपकी बात राइट है, बैंक वालों ने खुद आईसीआईसीआई बैंक वाले, यस बैंक वाले सबने मेरे से बात की है, मैंने उनके साथ में जो हमने लेटर दिए वो शेयर किए हैं और उन्होंने भी आगे रिजर्व बैंक को ये भेजा है। मेरा आपकी बात बिल्कुल सही है कि 180 दिन के होने के बाद वो
आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन हमने ये कहा है कि आप उसको रिन्यू कर दीजिए, क्योंकि हमें आप एक डेबिट करके वापस क्रेडिट कर दीजिए, रिन्यूअल में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि पेमेंट करके ही वो रिन्यू पेमेंट ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई कानून ही नहीं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चल रहा है मेरे ख्याल से कल परसों जो ये मोरेटोरियम है ये जून तक अगर फॉरवर्ड किया जाए और जो लोगों को आगे डिफरेंस भरना है उसको अपने लिमिट में ऐड करके उसका इंटरेस्ट भी ऐड करा जाए, एक सोल्यूशन देना पड़ेगा उन लोगों को, मुझे लगता है कि आज मतलब गोल्ड रेट अगर 38 का 42 हो गया है तो उसको उसका 4 लाख का ऊपर एक किलो के ऊपर जो भी भाव बढ़ा है उसको उसके किस्ती में ऐड करके उसका इंटरेस्ट भले ऐड कर दो, लेकिन अभी इस बंद के टाइम पर किसी के लिए पैसा देना बहुत मुश्किल है, जो डिफरेंस का भी अभी जो मांग रहे हैं बैंक वेरी इम्पॉसिबल। इस चीज को अगर बराबर तरीके से रिप्रेजेंट करें तो मुझे लगता है कुछ हल निकलना चाहिए। बिल्कुल एसोसिएशन लेवल से अगर बात करते हैं तो मैं आपसे भी संयम भाई मैं सभी लोगों से आपसे वो लेटर शेयर करूंगा जो हमने भेजा हुआ है वहां पे, और मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन 100% निकाल देंगे आपको। मेरा अगला सवाल मनीष भाई से है। मनीष भाई हमने कारीगरों की तो बात की, स्टाफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि स्टाफ भी काफी बहुत ज्यादा स्टाफ होता है हमारे पास में, कारीगर के साथ साथ में स्टाफ भी बहुत बड़ा स्टाफ होता है, तो उसके बारे में हमारा आप लोगों का क्या विचार है, उस स्टाफ का भी क्योंकि सबका थोड़ा सा थोड़े से सब लोग सकते में आ गए हैं, थोड़े से सब लोग डर गए हैं और हम ही लोग हैं जो उनको इस डर से बाहर निकालते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखो स्टाफ का ऐसा है कि काफी स्टाफ तो मेरे ख्याल से जैसे ये बंद का ऐलान हो गया तो अपने मुल्क में चले गए, तो जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारा पहला ये काम होना चाहिए कि उनको कैसे भी करके वापस इधर बुलाए, क्योंकि शायद अभी जैसे 15 दिन या महीने भर के बाद जब भी मार्केट खुलेगा तो डिमांड तो उसके बाद आएगा ही, तो तब ये प्रॉब्लम आएगा कि कारीगर को वापस बुलाना एक चैलेंज हो जाएगा, तो कारीगर लोग को समझा बुझा के वापस लाना है, अच्छा लाना है, उसके साथ उसको हाइजीन और वो सब भी सिखाना है, क्योंकि आगे के जो 6 महीने है वो ऐसा माहौल होगा कि अगर हमारे इतने सारे स्टाफ आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहा है, किस ट्रेन से आ रहा है, कैसे जा रहा है, उसको वो सब अपने को सिखाना पड़ेगा कि भाई हाइजीनिक आ जाओ, मास्क पहन के आओ, वो सब अपने को उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पे डिपेंडेंट है पूरा। और बिल्कुल सही बात है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना ये आप लोगों को पांचों को सुनने के लिए अभी तक अपने पास 463 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हम लोगों ने पहले सोचा था कि सिर्फ 100 लोगों को ही हम लेंगे लेकिन लास्ट में हमें ये एक्सटेंड करके, तो आप समझ लीजिए कि आप लोग कितने पायोनियर है इंडस्ट्री के, तो बहुत मायने रखता है आप लोगों का ओपिनियन, बहुत मायने रखता है, और आप लोग ही है जो इस नैया को पार लगा सकते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। सबको मिलके लगाना है, आपने बोला ना जैसे एक यहाँ मैन्युफैक्चरर बैठा, दूसरी जगह वो रिटेलर भी बैठा, तो सबको मिलके ही लगाना है ना। हाँ, तो मेरा कहने का वही मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं पुश जो है उसमें लीडर जो है किसी को बनना पड़ेगा, और वो जो नेचुरली जो बड़े मैन्युफैक्चरर है और जो एक ही जगह पे बैठते हैं तो वो आपस में कई चीज का डिसीजन ले सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं, आपके लोगों के पास कस्टमर्स हैं तो आप अपने कस्टमर को भी समझा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था के लिए ऑल ओवर इंडिया में मैसेज देना बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन आप लोग जरूर ये कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल प्रमोद भाई आपसे है। प्रमोद भाई आपको जो क्या लगता है आगे जो भविष्य है उसके बारे में, या जो ये हमें जो मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह जो अपनी कम करनी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट कम करनी है उसके बारे में आपका क्या? नहीं जरूर, ये क्वेश्चन बहुत B2B में अभी हमें जो है एक्सपेंस सभी तरह का एक्सपेंस पे हमको कुछ समय के लिए हमें रोकना चाहिए, ये सही माहौल नहीं है जब हम कोई मार्केटिंग को बढ़ावा दें, चाहे उसमें एग्जीबिशंस आ गए हैं या डोर टू डोर मार्केटिंग है, हर तरह के एक्सपेंसेस को अपने को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, और अपने को मैंने पहले भी बोला है कि अपने को कस्टमर को सर्विस अभी जो पिछले 1 महीने में जो अभी लोगों ने ऑनलाइन का जो ये ट्रेंड चालू किया है, आज हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो जूम पे कर रहे हैं, बराबर
ऐसे ही काफी लोग ग्रुप में ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो रही है, तो आने वाले कोई भी चीज को अगर अपन एक महीना यूज करते हैं तो लोग उसके आदि हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में काफी लोग जो ज्वेलर्स हैं अगले 6 महीने या तो मुंबई आने से डरेगा या वो चाहेगा कि मैं फोन पे ही प्रोडक्ट मंगा लूं। तो जो प्रफुल्ल भाई ने पहले बोला था कि ऑनलाइन जो सर्विस हो वो काफी हेलो हेलो आपकी आपकी आवाज चली गई है प्रमोद भाई, एकदम के इंटरनेट ऊपर हमें चला हो गया होगा आई थिंक कस्टमर आ गया मैं कस्टमर जी मैं इस बारे में कुछ कहूंगा हां प्लीज बताइए जी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने इंडस्ट्री को वापस पटरी पे चढ़ते चढ़ते 2 महीने से लेकर के शायद 6 महीने तक भी लग सकता है। अब उसके अंदर सबसे बड़ा मसला आएगा अपने को अपने खर्चे, अपने एक्सपेंडिचर, अपने जो सेटअप में अपन ने मार्केटिंग प्रमोशन स्टाफ से लेकर के जो भी तामझाम खर्चे अपने महकमे के हैं उसको किस लेवल से उसको कम करना प्रायोरिटी वाइज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने कारीगरों को तो छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो शहर सिटी में है, अपने को लिमिटेड है, उसको अपने को पूरी तरह से संभालना है। तो उसके लिए अगर अपने को कुछ कुछ भी अगर डैमेजेस होते हैं कारीगर के ऊपर तो हमें उसको बैर करना चाहिए या इनहाउस हो चाहे वो जॉब वर्कर हो, नंबर वन। नंबर टू, जैसे ये प्रमोशनल एक्टिविटीज जितनी भी करते हैं जो मार्केटिंग के जो खर्चे हैं कंपनीज के वो अपने को डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने को उसको रोकना चाहिए जब तक इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं पहुंचते वापस जहां पर हम थे। दूसरी बात कि उसको 100% अपने को कहीं ना कहीं उसमें कटौती करनी चाहिए। सेकंड थर्ड चीज बताऊंगा, सबसे एक्सपेंडिचर अपना ज्यादा जाता है क्योंकि स्टाफ आज स्टाफ काफी महंगे हैं। अपने ऑफिस का स्टाफ कहीं पर 10 आदमी का 2 आदमी का कहीं 100 आदमी का भी स्टाफ हो सकता है। तो स्टाफ में अपने को कमर्शियली भी सोचना पड़ेगा और कुछ अपने को कुछ ह्यूमिनिटी कुछ इंसानियत के तौर पर भी सोचना पड़ेगा। स्टाफ को मैं 2 डिवीजन में डिवाइड करता हूँ, ए एंड बी। ए स्टाफ एक ऐसा होता है जो आपका बहुत पुराना है जिसपे आप बहुत डिपेंड होते हो और वो काफी अपने फैमिली जैसे लोग होते हैं। बी स्टाफ ऐसा होता है जो 2 साल 3 साल में आया हुआ होता है और ये हर 2-4-6 महीने में कभी कभी अपने को मिलने आ जाते हैं कि मुझे 2-5 हज़ार बढ़ा दो नहीं तो मैं कहीं और जाता हूँ। तो ये समस्या लगभग सारे जब महकमों में है चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कमर्शियल भी सोचना है क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर डाउन करना है और अगर 2-4-6 महीना अगर इंडस्ट्री अगर स्लो डाउन रहती है, वैसे काफी स्लो डाउन रही है आगे भी, तो अगर ऐसे में अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत अगर इसमें काटछाट या मैनेज नहीं करेंगे तो हमें ज्यादा लॉसेस आने की संभावना होती है। तो हमारा एक लिस्ट बनाना चाहिए कि अपने खर्चे कहाँ कहाँ पर हैं। तो हर जगह पे अपने को आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसको कट करना है। जो चीज इजीली अवेलेबल है, कारीगर इजीली अवेलेबल नहीं है, एक कारीगर को बनाते बनाते 2-3 साल लगता है। होलसेल वाले को अगर एक आदमी आता है वो अगर एक एक, एक लेवल तक पहुंचने के लिए उसको 1-6 महीना लगता है। रिटेल में सेल्स में जो आदमी होता है उसको सीखने समझने के लिए 1-2 महीना लगता है और ये कीप ऑन चेंजिंग, वो अपने आप में चेंज होते ही रहते हैं। आज यहाँ गया 2000 किसी ने ज्यादा दे दिया वहां चला गया। तो अपने को जो चीज बहुत नीडी है उस पर पहले ध्यान रखना है, प्रायोरिटी वाइज अपने को उसको करना पड़ेगा। हर आदमी को कहीं ना कहीं अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा। अपनी इन्वेंट्री आने वाले दिनों में अपने को लगता है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना स्लो एंड स्टेडी इंडस्ट्री चालू होगी, लाइट वेट ज्वेलरी से येलो से चालू होगा, होते 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 वो शादी ब्याह में वापस एंटिक तक या हैवी कॉस्टली आइटम या हैवी आइटम तक पहुंचेगा। तो अगर हम इस मामले में अगर ध्यान नहीं देंगे तो जैसे बैंक के खर्चे हो गए या ऑफिस के खर्चे हो गए, हर चीज जहाँ प्रमोशन के एक्सपेंडिचर्स हो गए, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें 100% कटौती करनी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपना बिजनेस उन 2-4 बिजनेस में से है जो अंत में ये पटरी पे आएंगे, लाइन पे आएंगे, जो थे उस वो स्थिति में आते आते 6 महीना जरूर लग सकता है शायद। तो हमें मेरा ऐसा मानना है कि प्रायोरिटियां बनाइए, कौन सी चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो जहां पर लगे कि नहीं ये करना चाहिए, इस स्टाफ जरूरी है,
यहाँ पर ये जरूरी है तो उतना ही खर्चा कीजिए, बाकी की चीजों को आपको स्लो डाउन करना है, इस तरह से स्लो डाउन करना है कि ज्यादा डैमेज ना हो। जैसे एक स्टाफ को भी अगर आप ऐसा लगता है कि मैं वेरी हैवी स्टाफ, लोगों के यहाँ पर 25 लाख के पैकेज वाले भी स्टाफ होंगे आज की तारीख के अंदर, उस लेवल के स्टाफ भी लोग रखते हैं, तो उसको किस तरह से उसको थोड़ा सा उसको कट डाउन करें। अभी जो बी क्लास ही क्लास लोग हैं, जैसे 20,000 से 30-40,000 तक के लेवल के लोग हैं, चलो वो एक बार कर सकते हैं, तो आप बोलते हैं उसकी मात्रा में आपको कमी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं किया तो आपकी बैलेंस शीट आगे ज्यादा कमजोर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है सुरेंद्र जी, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो बंद है इसने हमको सिखाया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं है, लाइफस्टाइल अपना जो है वो कॉस्ट बढ़ा देता है, तो सेम चीज ये बिजनेस में भी लागू होता है कि कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस इज नॉट हाई, बट हमने ये जो दूसरे जो एडवर्टाइजमेंट और ये सब खर्चे जो पाल के रखे हुए हैं, तो इससे अपना स्टाइल जो बिजनेस का वो हमने चेंज जो किया है, तो उससे अपना खर्चा काफी बढ़ गया है और बढ़ते जा रहा है, तो अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अफकोर्स हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे दुकानदार है जो देसी पद्धति में सिंपल वे में काम कर रहे हैं और उनका भी बिजनेस अच्छा चल रहा है, और बहुत सारे हैं जो अलग अलग खर्चे कर रहे हैं, मतलब तो पहले जैसे क्या था कि खर्चे में सिर्फ गवर्नमेंट पार्टनर हुआ करती थी, उसका लाइबिलिटी और टैक्सेस ये एक पार्टनर हुआ करता था, अभी हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर हो गए, फर्स्ट गवर्नमेंट लाइबिलिटीज एंड टैक्सेस, सेकेंड इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो भले वो जीएमएल दिखता है सस्ता लेकिन पड़ता बहुत महंगा, थर्ड आपका जो एडवर्टाइजमेंट और ये जो खर्चे है एग्जीबिशन, तो अभी बिजनेस में 3 पार्टनर हो गए आपके, तो हमको ये समझना चाहिए और डे बाय डे इसको थोड़ा सा ध्यान रख के रिड्यूस करना चाहिए। नहीं नहीं, ये सवाल तो मैंने गलत पूछ लिया, मुझे सवाल संयम भाई को पूछना चाहिए था। संयम भाई हर जगह नजर आते, संयम भाई आप बताओ भाई, आप कितने कम करोगे, आप कम करोगे तो सबका कम हो जाएगा। अभी जो हिसाब से बिजनेस चल रहा है ना, उसमें मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ऐसा है, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, बट यू कैन नॉट बी एंटायरली डिप्रेसिव। मैं ये कहता हूं चाचा प्रेम भाई, प्रेम भाई जहाँ जहाँ कोरोना नहीं पहुंचा है वहीं पहुंच जाएंगे। अभी मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे कि सबने बताया कि आज के तारीख में डिजिटल सेलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा आने वाले महीने लोगों को डर लगेगा हमको वापस मुंबई कलकत्ता दिल्ली कहीं भी जाने में, तो अभी जैसे कि स्काइप गूगल ड्यू जो तरीके हैं जो गूगल ड्यू या सब तरीके हैं जिससे हम आज के तारीख में अपना माल बेच सकते हैं, मुझे लगता है ये एजुकेशन। सुरेंद्र जी आप हर 6 महीने में बोल रहे हो, हर 3 महीने में आपको कुछ ऐसी वेबिनार करने चाहिए जिसके अंदर जो यंग जेनरेशन है वो हमारी ज्वेलरी कैसे इस तरीके से देख सके और बराबर तरीके से बाय कर सके, और कैसे सॉफ्टवेयर अपन इंडस्ट्री में आगे प्रमोट कर सके जिसके अंदर हम अपने शॉप में बैठे बैठे एक अपने कस्टमर को अपनी ज्वेलरी दिखा सकें और इससे एक प्रमोशन बढ़े। जैसे सबने कहा कि एक एक्सपेंडिचर हमें घटाना है, लेकिन जिस तरीके से हम अपने आप को देखते, जिस तरीके से हम अपनी सोच से चलाते, उसी तरीके से हमारा कस्टमर सोचता है, तो जो भी 100% हमारा एक्सपेंडिचर है जिसका भी है उसको घटा के मान लो 50% या 60% तक लेके जाना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट एड्स आज रिटेलर भी अपने चला रहा है वो इम्पोर्टेंट एड्स हमें चलानी चाहिए। और जहाँ पर स्टाफ की बारी आती है, जैसे सब बोलते हैं स्टाफ अपने विलेज चला गया, लेकिन बहुत स्टाफ यहाँ पर भी है, उसका एक एक्सपेंडिचर है, एक फूड का एक्सपेंडिचर है, उसका डेली रहने का एक्सपेंडिचर है, एज ओनर्स हमें उनका वो एक्सपेंडिचर को देखते हुए हर मंथली उन्हें एक लॉजिकल सपोर्ट एक देना चाहिए। आज मान लो किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 20,000 है, कोई लॉजिकल सपोर्ट है वो एक स्टाफ को होना चाहिए। एक चैरिटी बिगिंस एट होम, आज हम कर रहे हैं सब लोग पीएम केयर्स के फंड में पैसा डाल रहे हैं, सीएम रिलीफ फंड में पैसा सब डालने की बात है और जो करना ही है, लेकिन आज हमारा स्टाफ है, हमारी ज्वेलरी के बाद हमारा एसेट हमारा स्टाफ है, तो उसका भी टेक केयर करना ये महीने 2 महीने की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको भी साथ में लेके चलना है और साथ में लेकर उनकी भी प्रॉब्लम समझ। जैसे जितना मैंने बताया एक इम्पोर्टेंट स्टाफ है जो बहुत सालों से है, एक स्टाफ है जो कुछ महीनों से आया हुआ है, कुछ महीने में इधर उधर है, उसको अपने माइंड से हमको आगे लेके जाना है। जहाँ पर बाकी एडवर्टाइजमेंट की एग्जीबिशन की सबकी बारी आती है, उसको एक इंटेलिजेंटली करना होगा कि आज 15 को अगर शॉप्स हमारी खुलती हैं तो 28 से अक्षय तृतीया है,
तो मुझे लगता है कि आज अगर हमारी 100% या 80% अपन सेल्स देखते थे वो ड्रॉप डाउन होके मान लो 25 या 40% भी आती हैं, तो मुझे लगता है इट इज अ गुड स्टार्ट। मुझे लगता है जितना पॉजिटिव हम रहेंगे एज अ होलसेलर मैन्युफैक्चरर उतना ही पॉजिटिव रिटेलर रहेगा और वही पॉजिटिविटी आगे कस्टमर को फैलाएगा। नहीं आज खाने पीने का महीना डेढ़ महीना ये चीजें आगे चलेंगी, लेकिन आने वाले ये टाइम के बाद मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा जिसमें एक नॉर्मलिटी आ जाएगी। और मुझे लगता है सुरेंद्र जी हर साल चाहे वो एक्साइज हो चाहे जीएसटी का टाइम हो हर बार जब ही बंद होता है एक मायूसी का माहौल फैल जाता है, लेकिन खुलने के बाद 7-10 दिन ही लगते हमारे ज्वेलर इतने स्पीड में आगे बढ़ाते हैं काम को कि वो चीज पता नहीं लगती कब आई थी कब चली गई। ये तो बात सुरेंद्र जी, बात मैं एग्री करता हूँ। हमको हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अभी जब हम इंडियन इकोनॉमी देखते हैं तो आज तक हमने कभी देखा नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी हमेशा बूम ही रही है, भले कितना भी मंदी आया कुछ भी आया। एक वक्त था डिमोनेटाइजेशन, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अरे बस अभी तो 6 महीना गया, 1 साल गया, 2 साल गया, लेकिन आप देखेंगे 1-2 महीने के बाद तो वो रिकवर हो गया और जो लोगों ने काम 2 महीने का जो कसर था वो पूरा हो गया उस एक ही महीने में। तो वी शुड बी पॉजिटिव। सारी कसर डिमोनेटाइजेशन के दिन ही निकल गई थी लोगों की तो नहीं, उसके बाद भी काफी अच्छा हुआ था काम, भले उस दिन तो जो भी हुआ हुआ लेकिन उसके बाद भी अच्छा काम हो गया था। सो वी शुड बी पॉजिटिव। इंडियन इकोनॉमी है भाई, अभी 2-3 साल पहले का एक किस्सा है, केरला में बाढ़ आई थी तो उस वक्त भी मैं देख रहा था कि केरला के ज्वेलर्स आ रहे थे माल ले रहे थे, देखो पूछा बबला भाई इधर उधर तो इतना हम सुनते हैं न्यूज में कि भाई बाढ़ आई है ऐसा है पानी है ये वो, बोलता है भाई जिसके घर में शादी है ना वो बोट में बैठ के भी सोना लेने आ रहा है। तो इतना अच्छा अपना पॉजिटिव मार्केट है, तो अपने को कभी तकलीफ ज्वेलरी बिजनेस में नहीं आने वाली है। वो अपना सोना सबका साथी, ये अपने को हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे डायमंड इज फॉरएवर वैसा सोना सबका साथी है भाई। सैम की बात जी एकदम ठीक है कि एक ये ज्वेलर एक ऐसा महकमा है जिसमें स्पिरिट बहुत है, उसमें काम करने की धगश बहुत है। अब खाली इतना एक दुर्भाग्यवश खाली सिर्फ इतना है कि ऊपर ज्वेलरों में इतनी रिटेल शोरूमों में इतनी कंपटीशन है, आज वेस्टेज से माल लेते हैं और लेबर में बेचते हैं और वेस्टेज ये भाव बढ़ गया और लेबर आगे कितना क्या बढ़ाना उसमें उस तालमेल की कमी है। तो रेवेन्यू जब जनरेट होती है ना वो रेवेन्यू जनरेट हमेशा ऊपर से होती है रिटेल शोरूमों से, वहीं से इतना कंपटीशन इस लेवल का कंपटीशन होने से एक एक एक, एक रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रही है। फिर उस कंपटीशन के हिसाब से होलसेलर पे दबाव बनता है, होलसेलर पे दबाव बनने से कारीगरों की आज ये कंडीशन है। तो इसको अगर हमें और भी फूलना फलाना मतलब एकदम उसको ग्रोथ करना है हमारी इंडस्ट्री को, अगर हमें एकदम 4 चांद लगाने हैं तो थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक एक फ्लो, एक ढंग का फ्लो एक होना चाहिए, क्योंकि आए दिन या कुछ न कुछ वजह आज भाव बढ़ गया, कल जीएसटी, कल नोटबंदी, कल कुछ ना कुछ ऐसा करते 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 बिजनेस कई टाइम से थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है, उसके सामने भाव बढ़ने से वेस्टेज से माल खरीद के लोगों को लेबर में बेचना है। कई कई स्टेट के अंदर ये ही सिस्टम है, हर जगह पे लोग वेस्टेज से आगे माल नहीं बेचते, जैसे मुंबई में भी लेबर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से कहीं ना कहीं आज एक कस्टमर 100 ग्राम का ऑर्डर भी दे जाएगा, एक 2-5 हजार रुपए एडवांस देके एक परिचित कस्टमर 100 ग्राम का ऑर्डर दे जाएगा, आज का रेट भी बुक कर जाएगा और उसके बाद वो माल 20 दिन के बाद जब बन के आएगा कस्टमर पुराने भाव से लेगा, तो जो भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ने उस चीज को भेजी है वो करंट भाव से भेज रहा है। तो कभी कभी ये भी नौबत आ जाती है रिटेल में कि क्या भाव कस्टमर का बुक किया था और क्या भाव से ये हमसे खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजों को बैठ के ऊपर से ये रिटेल शोरूमों को भी अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वो लोग ग्रो करें। देखिए हमेशा ऊपर वाले ग्रो करेंगे तो नीचे उसकी खुशहाली आती है, तो स्पिरिट तो सब में है। तो कहीं ना कहीं जैसे बंद का माहौल है, जैसे सैम ने बताया कि आज ऐसे माहौल में भी आज काफी खुशनुमा है, दूसरे से बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो क्यों ना इस माहौल में ये भी सोचा जाए कि रिटेल को किस तरह जोड़े कि ये जो तकलीफें हैं ऊपर की वो लोग स्ट्रॉन्ग बने, रिटेल जितना स्ट्रॉन्ग बने क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर से उनको इंटरेक्ट करना है। तो रेवेन्यू पूरा इंडस्ट्री में जो आता है वो तो वहीं से आता है, तो अगर वहीं से फ्लो, वहीं से अगर फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग आएगा तो खुशहाली हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल
प्रमोद भाई कहाँ गए यार, दिखाई नहीं दे। बोलिए बोलिए प्रमोद भाई, ये एक जो हमेशा मन में मेरे सवाल रहता है, क्योंकि मैं खुद सीए हूँ इसलिए सवाल पूछता हूँ हमेशा, कि ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, इंटरेस्ट की कॉस्ट हम कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जे आपकी सबकी बातों के सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मार्जिन का एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे बिजनेस में। तो हमें, आपको क्या ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा ये इंटरेस्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हमें क्या इसके लिए हम क्या कर सकते? नहीं, इसका मेन कारण जो इंटरेस्ट का अभी आ रहा है, पिछले 4-5 साल में जो आपस में कंपटीशन बढ़ा है, और जो बैंकिंग जब से स्टार्ट हुई है तब से लोगों ने स्टॉक भी बढ़ाया है और उतना क्रेडिट भी बढ़ा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये क्रेडिट सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं अपने को एक जगह जाके सिंक्रोनाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए। और चूंकि हमें बैंक से सोना अवेलेबल इजीली मिल रहा है और हम आगे कस्टमर को काफी इजीली गोल्ड दे रहे हैं और उसका क्रेडिट जो पीरियड है उससे ज्यादा टाइम भी हो जाता है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इधर हम बैंक को पूरा इंटरेस्ट चुका रहे हैं और आगे से हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये दायरा इतना बढ़ गया है आज की तारीख में कि आज आदमी जब साल के एंड में जब अपना रिव्यू करता है तो वो ये देखता है कि यार मैंने तो काफी कुछ हिस्सा उसमें से बैंक के इंटरेस्ट में दे दिया है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कहीं ना कहीं होलसेलर को थोड़ा सा कड़क नियम या कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे एक जो उसके सामने जो टर्म्स और कंडीशन रखा है उस टर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अभी डिमांड और सप्लाई में इतना फर्क आ गया है, डिमांड रिटेल में उतना नहीं है जितना सप्लाई हो रहा है, इसके कारण से ये इंटरेस्ट का कॉस्ट हमें ना काफी मार रहा है। और इस और सब अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में बैंक से सोना लिया और अपने को आगे उसको बेचा और टारगेट को पूरा किया, और जब टारगेट पेमेंट आने का टाइम होता है तो वो डिले 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 होता है और वो इंटरेस्ट का कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ कहीं बाजार को एक नियम बनाना चाहिए जिसमें अपने को एक, हमने इज्जा ने बीच में बनाया भी था पीडीसी का, कि भाई आप चेक जब भी आप डिलीवरी कीजिए उसके सामने आप चेक ले लीजिए ताकि आपको इंटरेस्ट की मार नहीं गिरे। अगर कोई 15 दिन के टर्म्स में ले रहा है तो 15 दिन आगे का चेक ले लीजिए, 1 महीने के टर्म्स पे ले रहा है तो 1 महीने का आप पीडीसी ले लीजिए। पर आप पीडीसी में अगर काम करेंगे तो दोनों तरफ से सेफ रहेंगे, एक तो डिपार्टमेंटली और एक आपका इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो भी आपको इजिली रिड्यूस हो सकता है। बिल्कुल मनीष भाई, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हेलो, बैंक का इंटरेस्ट, सॉरी एक्चुअली मैं कहीं चला गया था तो पॉइंट ध्यान नहीं रहा मेरे को। मैं कुछ बोलता हूँ सुरेंद्र जी, मेरे हिसाब से तो एक बार ही पैसा अंदर आ गया फिर बैंक को वापस देना मुश्किल है। बैंक का इंटरेस्ट सच्चाई बताता हूँ, पर उसको संयम भाई कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल में लाना चाहिए, नहीं तो ये जो अंधी दौड़ है उसमें सब दौड़ रहे हैं केवल। हेलो, हाँ मनीष भाई, बोरोइंग आप कुछ बोलना चाहते हैं, और भी कोई भी पार्टिसिपेंट इसके बारे में कुछ कहना चाहता है? नहीं, ये बात सही है कि बोरोइंग लेना तो ठीक है, उसके बाद निकालना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि इन्वेंट्री जितनी भी हो वो हमेशा कम ही लगती है। कभी हम कस्टमर को उसके बारे में सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाते कि भाई भले ही पूरी चीजें हो लेकिन कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, तो हमेशा ऐसा लगता है भाई इन्वेंट्री अपनी कम है, तो दिमाग में आता है अरे बोरिंग बढ़ाओगे कि क्या करेंगे ऐसा। मुझे ऐसा लगता है सुरेंद्र जी, हेलो मनीष जी, मैं कुछ बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि रही बात बैंक के इंटरेस्ट की, हेलो सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए चेतन भाई, बोलिए। हाँ जी सुन रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक अपना इंटरेस्ट तो रेट कम नहीं करेगी, और सबके रेट भी थोड़े मोटे जो वेरी कर रहे हैं वो अपने अपने बुक्स के हिसाब से होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम करने का जरिया एक ही है, हर चाहे वो होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, उसने अपने आप को जहाँ 100 रुपए की जरूरत थी वहां उसने 120 रुपए का माल भरा है। सबको ज्यादा स्टॉक ले रखना है, ज्यादा स्टॉक दिखाना है,
अच्छा रोलिंग के हिसाब से लोगों ने कहीं ना कहीं ज्यादा स्टॉक रखा है, उसकी वजह से उनको कहीं रोटेशन नहीं है, कहीं ना कहीं डेड इन्वेंट्री की वजह से भी आपका स्टॉक काफी ब्लॉक हो रहा है, तो ये कुछ स्टॉक कम करे, कुछ डेड इन्वेस्टमेंट का अगर ख्याल अगर अपन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो बैंकिंग में से अपन नहीं कम से कम 20-30% अपन इसमें से आउट हो सकते हैं। जैसे मनीष भाई ने बताया, एक बार उसके अंदर घुस गया ना बैंकिंग के अंदर, तो उसको निकालना बड़ा भारी पड़ता है। 100 किलो स्टॉक रखने वाला 150 किलो रखने लगता है ना, फिर उसको 100 अच्छा नहीं लगता, उसको 150 ही चाहिए, फिर उसको 125 भी हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी हो गई है। तो अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल करके कम से कम इन्वेंट्री, बहुत सारे ऐसे ज्वेलर हैं जो स्मार्ट ज्वेलर हैं, वो स्टडी करते हैं कि ये मेरा शोरूम, यहाँ मेरा इतना सेल आ रहा है, तो ये सेल के हिसाब से मुझे यहाँ इतनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए। तो दे आर द स्मार्ट ज्वेलर, क्यों कि अगर वो ज्यादा इन्वेंट्री रखेगा तो वो इंटरेस्ट लॉस करेगा, तो ये अपने को बिल्कुल समझने की जरूरत है। और इसके अंदर होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, तो अगर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आपका बैलेंस शीट में से एक्सपेंडिचर, बैंकिंग एक्सपेंडिचर के आंकड़े आप थोड़े से रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जी हेलो मेरा मानना है कि जब आप किसी रिटेलर को माल बेचते हैं तो रिटेलर दुकान में अपने कस्टमर की वेट करता है कि भाई मेरे पास कस्टमर आएगा, लेकिन उसका जो वो वेट कर रहा है ना, उसका इंटरेस्ट कोई दूसरा आदमी दे रहा है, वो इंटरेस्ट रिटेलर पेमेंट नहीं कर रहा है। वो अगर उसने लोन लिया है तो वो पेमेंट कर रहा है, यदि होलसेलर ने लोन लिया है तो वो पेमेंट कर रहा है, या उस कैपिटल का इंटरेस्ट कोई ना कोई आदमी पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद में सबकी जवाबदारी होगी कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करे, सब एक दूसरे को हेल्प करे, ताकि इंडस्ट्री में सबकी कॉस्टिंग कम आ, क्योंकि आपके पास अगर कस्टमर नहीं आ रहा है, चेतन भाई ने बहुत अच्छी बात की कि किधर कितना माल बिक रहा है उतनी इन्वेंट्री रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एनालिसिस करना चाहिए और इस प्रकार के डेटा हमें देखने चाहिए कि भाई जिस स्टोर में इतना माल पड़ा है लेकिन अगर वहां पे उसका सेल ही नहीं है तो वहां पे इन्वेंट्री रखने का कोई मकसद ही नहीं, तो इस तरह से हम अपनी बोरोइंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और दूसरा होता क्या है कि हम सिक्योर्ड लोन लेते हैं और अनसिक्योर्ड में माल बेचते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो ये सारे मैंने आपको बताया ना, ये इंडस्ट्री पूरी फैमिली जैसी है और हम एक दूसरे को सोच समझ के इंटरनल व्यवहार करते हैं, तो एक अपनापन रहते हैं सबके साथ, तो हमें मन से वो मेंटली सिक्योर, भले हमने कोई सिग्नेचर नहीं लेते हैं लेकिन मन से हम लोगों को वो सिक्योरिटी लगता है। और जैसे प्रफुल्ल भाई ने बताया था ना कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि ये 5-15 दिन, महीना, 2 महीने से कुछ नहीं होता, सबको अपना अपना महकमा चलाना है, सब अपने अपने व्यवहार से चल रहे हैं, दे आर वेरी गुड पीपल। आज लाखों में 1-2 आदमी अगर गलत निकलते हैं तो ये इंडस्ट्री में मैं तो बोलता हूँ पूरी जवान के ऊपर चलती है, बिलिंग तो शायद अभी आया है लेकिन उसके पहले भी कभी ऐसा व्यवहारिक बातें ना कभी यहाँ हुई थी और इंडस्ट्री में ना कभी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई फुल्ली एग्री विद यू, इसीलिए मैंने बोला ना कि पूरे इंडस्ट्री में सबका सपोर्ट चाहिए। जो नाव है वो नाव में रिटेलर एक कोने पे, एक कोने पे मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हमारा माल कभी, माल की वैल्यू घटती नहीं है, माल की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। मेरा अगला सवाल, सर बेस्ट रेट, सर अगर कोई भी यूएस डॉलर भी अगर फेल हो जाता है, कोई भी करेंसी फेल हो जाए, हमारे पास वो करेंसी है जो हर देश के अंदर उसकी वैल्यू है, और आप तिजोरी में उसको 1000 साल भी रखोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ के आनी है। तो वी आर इन द बेस्ट प्रोफेशन, आपका इनकम कम ज्यादा हो सकता है, बट वी आर द मोस्ट सेफ पीपल इन द वर्ल्ड। बराबर है। चिंतन भाई क्वेश्चन नंबर 9 लगाई है, मैं सबको अभी लाइन से एक ये पूछना चाहता हूँ कि आपको गोल्ड का प्राइस यहाँ से क्या लगता है, गोल्ड का प्राइस इस दिवाली पे आपको क्या लगता है? प्रफुल्ल भाई आपको क्या लगता है सोने का प्राइस इस दिवाली? मेरे को यहाँ से गोल्ड का प्राइस 15% अप लग रहा है। 15% अप लग रहा है। चेतन भाई आपको? जी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है गोल्ड के प्राइस का, सब्जेक्ट तो किसी का, सब्जेक्ट तो किसी का भी नहीं है। इस बार जिस तरह से शेयर मार्केट गिरा है तो सब एनालिस्ट भी घर के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे।
मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था 1982 तो 200 रुपये में एक ग्राम सोना 10 तोला सोना जो बाहर आता था 116-640 का वो 20-21 हजार में मिलता था. तो तब से यहाँ तक की सफर मुझे हमेशा तेजी लगती है. अगर अगर उसके अंदर कुछ कम ज्यादा होता है तो वो मैं उसको हमेशा रिएक्शन समझता हूँ या कोई कारण समझता हूँ. लेकिन मैं